छोटा हल्क ए सॉरी बड़ा हल्क। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए हैं व्यू कैंपस। अभी हम लोग हैं हिंदी डिपार्टमेंट के बाहर, जो कि SBI गेट के जस्ट बगल में है। आप देख सकते हैं पीछे SBI गेट उधर है। SBI गेट के इधर से आप आएंगे तो आपको हिंदी डिपार्टमेंट पड़ेगा। और हम लोग यूनिवर्सिटी का आपको कुछ दिखाने आए हैं। और मेरे साथ अभी मेरा दोस्त है अभिषेक है, और मेरे सर हैं पुष्पेंद्र सर, और साथ में मेरे तरुण भाई हैं। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे कि अभी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं बहुत से गेम्स वगैरह चल रहे हैं, बहुत से चेस जिस तरह अलग अलग फैकल्टी के गेम होते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो अभी उस तरफ चलते हैं, ग्राउंड तरफ चलते हैं, कौन कौन से गेम होते हैं आपको दिखाते हैं, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सही बोला ना भाई? हाँ भाई। हाँ, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक नहीं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। हाँ, दबा के मिलते हैं आगे। कुछ हमारे भाई मिल जाए, जैसे कि आपने देखा कितना अच्छा उन्होंने गाया। मैं तो भाई, आपका नाम क्या है? अमन भाई। आपका? भाई मेरा आर्यन। भाई मेरा नाम ऋषभ रायकवार है। आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा तो करेंगे ना भाई? हाँ, जो तो एक बार सब्सक्राइब के लिए बोल दो यार, प्लीज सब्सक्राइब टू इस चैनल प्लीज। तो चलते हैं भाई लोग, बाय बाय। तो देखा भाई ने कितना अच्छा ऑसम गाया भाई, एक नंबर। दोनों भाई ने एकदम फाड़ दिया, मानते हैं। देख लिए, मैंने बोला ना अपने दोस्तों से आगे आप हैंग आउट कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। यही होता है जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पे आदमी क्या करेगा दोस्तों साथ बैठेगा ही। तो भाई अपने दोस्तों साथ चिल कर रहे थे, उतने में मैं पहुँच गया ब्लॉगिंग करते हुए। तो अब हम लोग चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जो आपको मैंने बताया। तो ग्राउंड की तरफ चलने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से गेम हो रहे हैं, क्योंकि कल तो आई थिंक हो रहे थे, कल वहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स का काफ़ी बहुत से गेम हो रहे थे। आज देखते हैं आज कौन सा गेम हो रहा है। और ये हम लोग आ गए हैं BC ऑफिस। तो अभिषेक भाई क्या कहना यार तुम्हारा, भाई ने सही गाया कि नहीं? एक नंबर भाई, एक नंबर। तरुण भाई एक नंबर नहीं भाई, सही में एक नंबर गाया यार उसने, इसलिए मैंने कैमरा में ले लिया कि भाई क्या ही गाया है बंदा। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं गांधी ऑडिटोरियम, इसके अंदर कोई फंक्शन वगैरह अगर होता है या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो इसके अंदर होता है ये। काफ़ी अंदर कभी इसको एक्सप्लोर करूँगा मैं कि अंदर से कैसा है। तो ये हमारा व्यू की सुंदरता देख रहे हैं, हमारा व्यू कितना प्यारा है। आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है माना जाए तो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आगे चल रहे हैं ये, और इस तरफ जैसे ही आप आ जाएंगे तो BC ऑफिस के पास, यहाँ से लेफ्ट साइड जो हम लोग मुड़ेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड भी पड़ता है और प्लस हॉस्टल भी, बॉयज़ हॉस्टल दोनों पढ़ते हैं, माने तीनों पढ़ते हैं, जिस तरह बोलते हैं समता बॉयज़ हॉस्टल, लॉर्ड बुद्धा बॉयज़ हॉस्टल और न्यू बॉयज़ हॉस्टल, तीनों बॉयज़ हॉस्टल बुला रहे हैं और इसी तरफ तीनों पढ़ते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। आप मेरे चैनल पे बने रहें, आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। ये देखिए, ये रोड का नाम है गौतम बुद्ध मार्ग, सामने है, ये देख रहे हैं एनुअल स्पोर्ट्स मीट, ये देख रहे हैं ये बैनर लगा है, ये देखिए अंदर, ये
आइए हम लोग आपको फ्रंट गेट से लेके चलते हैं, पहले वाले गेट से लेके चलते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। हेलो भाई। हाय भाई, क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई, आज कौन सा गेम है, क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन दोस्तों, मैं सही था? ठीक है ठीक है ठीक है भाई। सर को दिखाओ, छोटा हल्क ये, सॉरी बड़ा हल्क। और भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया, आई एम फाइन ब्रो। किस चीज में लिए भाई आप? पावर लिफ्टिंग। यू पार्टिसिपेट? हां। किस में किए? शॉर्ट पुट, डिस्कट, जेवलिन थ्रो, 100 मीटर स्प्रिंट, लॉन्ग जंप, वेट लिफ्टिंग। और कुछ छोटा क्या है? छोटा क्या है फिर? छोटा क्या क्या है? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट। आपने कितने में किया? हैंडबॉल। बाप रे, देख रहे हैं, सबका सबका चैंपियन ही बनेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएंगे, इतना हमें पता है। तो देखो दोस्तों, ये है स्टेडियम, आज बैडमिंटन का है, और कितने हॉस्टल जितने बैठे हैं, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी देखिए तैयारी चल रही है, अभी साफ़ सफाई चल रही है, इसके बाद साफ़ सफाई होने के बाद यहाँ का कॉम्पिटिशन जो है चालू होगा, और आई थिंक ये होगा 4 बजे से, अभी अप्रॉक्स 2 बज रहे हैं। तो दोस्तों हाँ, हो रहा है, अभी वहाँ से अनाउंसमेंट होगा, और सब पास जितने बैठे हैं सब वेट कर रहे हैं, सबके सब ये देख रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग को आपको आगे दिखा रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? तो आप बैडमिंटन में लिए ना सर? हाँ, आप लिए सर? सर आपका नाम? रवि कुमार। सर तो कितने बजे से मैच है आपका? पता नहीं, डिसाइड होगा अभी, लंच के बाद करूंगा। कितने बजे बुलाया था आपको? 9:30 बजे बुलाया था। 9:30 बजे बुलाया था दोस्तों, देख रहे हैं 9:30 बजे बुलाया था, और अभी बज गए 2। बीयू की यही खासियत है, मतलब इतने लोग इतने पास मिनट अभी वेट कर रहे हैं बैडमिंटन मैच का, पर अभी कोई सीन नहीं है कि कितने बजे क्या होगा, कितने इधर कितने उधर, और कितने अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नोटिस यहाँ पे लगा है या फिर कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है कि पता चले बच्चे वेट करें, कितने बच्चे अपनी क्लास मिस करके यहाँ पे आए हैं बैडमिंटन के लिए, क्योंकि उनको बैडमिंटन पसंद है इसलिए। तो जैसा फ्रेंड्स आपने देखा कि कितने बजे से चालू हुआ गेम्स, और कितने बजे की टाइमिंग दी गई थी बच्चों को, बच्चों ने क्लास मिस करी, पर वो जो गेम्स थे वो 4 बजे से 5 बजे तक चालू हुए, उनको कितना झेलना पड़ा, तो टाइमिंग ऐसी रहती है। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको कोई सजेशन अगर देना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।